अगर तेरे बायोडेटा में 3-4 घोटाले, स्विस बैंक में अकाउंट, काले धन से बने हुए 3-4 बंगले हुए तो तेरा बायोडेटा हिट। तो ले लो विधवाओं के घर ले लो।
जमीन ले लो, अगर इससे भी पेट ना भरे ना तो सब कुछ ले लो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक आदमी हजारों करोड़ों का घोटाला करता है, अपने आप को दिवालिया घोषित करता है और जाके विदेशों में बस जाता है, तो हम बस टेलीविजन पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और भूल जाते हैं। भैया क्या बात कही है, लेकिन एक बात बताओ, आप और मैं अकेले मिलकर भ्रष्टाचार की लड़ाई में क्या कर सकते हैं? अरे भाई, जनता का पैसा ही तो चुरा रहे हैं, कौन सा मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, मेरे बाप का क्या जाता है? हमारे खुद की जिंदगी में इतनी मुश्किल पड़ी है, एक छोटे से बच्चे का एडमिशन कराने जाओ सब तो 10-20 लाख रुपए मांग लेते हैं। अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़े 3 चक्कर में पड़े। माफ करो हमें तो भैया, विकास के नाम पर थोड़ा तो करप्शन होता ही है, और जब बड़े बड़े लोग जनता की इतनी सेवा करते हैं, अब आप ही बताइए उसमें से थोड़ा बहुत खा भी लिया तो कौन सी किसी की भैंस की पूछ मार ली। अबे क्या शोर मचा रखा है, करप्शन करप्शन करप्शन, भूल गए क्या टूर्नामेंट गेम से घोटालों को? 80 करोड़ का गुब्बारा उड़ाया था और साथ में कुर्सी समेत खुद ही उड़ लिए। देखो भैया सच्चाई स्वीकार कर लो, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो सकता और यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो हमारे डीएनए में है, भ्रष्टाचार हमारे खून में दौड़ता है। ये तो चलता ही आया था, चलता ही जाएगा, अपने बाप का क्या जाएगा? देखो जी, कोई कुछ नहीं करता है, और जब करप्शन के मुद्दे पे कोई और कुछ नहीं बोल रहा तो मुझे क्या पड़ी है कि आ बैल मुझे मार। करप्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक छोटे से बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो जो पैसा हम देते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ या रेड लाइट जंप करो तो जो पैसा हम देते हैं, क्या वो करप्शन नहीं है? छोटे छोटे करप्शन की वजह से बड़े बड़े घोटालों को हम नजरअंदाज करते हैं। भ्रष्टाचार हर जगह पर है, मकान में अगर 3 मंजिल की परमिशन और वहां मेयर खड़ा करना हो तो पैसा दो, इलीगल तरीके से नक्शा पास कराओ और फिर क्या 25 मंजिल बनवाओ। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार को अगर हम सच में जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो जरूरी है कि सबसे पहले हम उसे अपनी निजी जिंदगी से खत्म करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता, पहले वो मेरे शहर में आए लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वो मेरे मोहल्ले में आए मैं चुप रहा, फिर वो मेरी गली में आए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, उदासीनता, काम निकालने की जुगाड़बाजी हमारे समाज को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना। करप्शन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है समाज के उस आदमी पर जो गरीब है, जो शोषित है, जो दलित है, किसान है, आदिवासी है, यहाँ तक कि हमारे और आपके जीवन में भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। बेसिक सुविधाएं और सरकारी पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से अमीर आदमी और अमीर होता है और गरीब और गरीब। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है
कि जिसके खिलाफ शिकायत होती है वो अपने केस की जांच खुद ही करना होता है। क्या हम यही भ्रष्टाचार आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें भी यही सिखाना चाहते हैं कि वो बस सिर झुकाए घुटने टेके चुपचाप चलती रहे और सहती रहे? क्यों हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर मुल्क बनने की कोशिश नहीं करते? मुझे भरोसा है कि हमारी ये आवाज एक दिन पूरे देश की आवाज बनेगी और यही हमारा सपना है। हो गई है वीर बरबर से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है वीर बरबर से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और इसका निर्देशन है श्री अरविंद गौर सर ने।